तो दोस्तों आज हम लोग बाहर जा रहे हैं, और इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरे को मेरी इस बाइक का हेडलाइट चेंज करवाना है। आप लोगों में से जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते होंगे उन लोगों को पता है कि मेरी इस बाइक का जो हेडलाइट है वो फ्यूज़ हो चुका है। तो अभी लगभग 1 साल हो चुके हैं इस बाइक को, 1 साल से थोड़े समय और ज़्यादा हो चुके हैं। जुलाई को मैंने लिया था इस बाइक को पिछले साल, तो 1 ही साल के अंदर इसका जो हेडलाइट है वो फ्यूज़ हो गया। तो आप लोग जैसे जानते हो कि ये कौन सी बाइक है, मेरे पास है अपाची 164V BS4, BS6 नहीं है, जैसे कि हेडलाइट देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो एक्चुअली मैं हाई बीम जल रहा है लेकिन लो बीम अभी भी नहीं जल रहा है, लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हाई बीम से सामने चल रहे व्हीकल्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, और कार वाले लोग को तो ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं भी कार चला तो उससे मेरे को पता ही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हाई बीम ही सिर्फ जल रही है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हाई बीम जल रही है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे इस स्विच को लो पे करता हूँ तो हेडलाइट पूरी ऑफ हो जाती है। तो अब जैसा कि मेरा लो बीम ख़राब हो गया, इसके वजह से मेरी ये जो बाइक है अब ये BS3 वाली जैसी हो गई है। जैसे BS3 में आपको लाइट के लिए ऑन ऑफ स्विच मिल जाता था। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कभी भी अगर आपकी बाइक की हेडलाइट या फिर टेल लाइट फ्यूज़ हो जाती है तो कभी भी उसको सर्विस सेंटर से मत रिपेयर करवाइए, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले चार्ज भी बहुत ज़्यादा करते हैं और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी नहीं देते हैं। जैसा कि ये जो मेरा पीछे नंबर प्लेट वाला लाइट था, यानी ये वाला जो लाइट था, ये भी फ्यूज़ हो गया था। तो मैंने इसको TVS के सर्विस सेंटर में लगभग 160-170 रुपये में ठीक करवाया था, लेकिन एक हफ़्ते बाद ये फिर से फ्यूज़ हो गया। इसलिए अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं इसको बाहर से ही ठीक करवाऊँगा, अभी तो इसको रिपेयर नहीं कराऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे हेडलाइट ही रिपेयर कराऊंगा। तो जो मैं न्यू लाइट लगाऊंगा उसकी क्या प्राइस होगी, उसका इल्यूमिनेशन कैसा होगा, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, सभी चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई दूसरी बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। और एक बात और है कि आप लोग में से बहुत लोग बोले हुए कि हाई बीम तो जल रहा है लेकिन लो बीम नहीं जल रहा, तो इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों बल्ब एक ही रहता है, तो यहाँ पे अगर हाई बीम जल रहा है या लो बीम जल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, पूरी की पूरी आपको बल्ब चेंज करवानी होगी, क्योंकि ऐसा अलग अलग वहाँ पर सिस्टम नहीं दिया गया। एक ही बीम के अंदर लो बीम हाई बीम आपको दोनों ही मिलती है, तो यानी कोई भी एक चीज़ फ्यूज़ होती है तो आपको पूरी की पूरी इसकी बल्ब चेंज करवानी पड़ेगी। तो चलिए अब चलते हैं। Cornerstone, I know that I can't be without you. This bond is solid gold, we're a diamond and an emerald. It took me forever to find you, 'cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. वीडियो फिर काट काट के डालेगा। हाँ आना मुंह ले लो, टेल्को घोड़ा बांधा लाइट भी दिखाना। अरे आगे दिखा दे, 500 में चलेंगे, मतलब
दोस्तों अब मैंने इसमें LED डलवा दिया, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी थ्रो कैसी आ रही है, और कोशिश मैं करूँगा कि नाइट की भी फुटेज मैं आपको दिखाऊँ और आपको पता चले कि नाइट में LED बल्ब की थ्रो और इल्यूमिनेशन कैसी रहती है। तो चलिए अब मैं आपको इसको चालू करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि बल्ब फ्यूज़ हो गया था, तो पूरा का पूरा बल्ब चेंज हो चुका है। तो ये वाला बल्ब इससे बाहर आई है और इसमें कोई फ़ैन नहीं है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये नॉर्मल हैलोजन बल्ब है। और ये इसके साथ ही लगा हुआ था, तो इसके साथ ये LED बल्ब के साथ ये फिट नहीं आ रहा था, तो इसको उन लोगों ने निकाल दी। तो दोस्तों मैंने इसी कंपनी का LED लगवाया है, उन लोगों के पास नाइट आई भी थी, लेकिन इसमें और उसमें क्या डिफरेंस था कि नाइट आई के थ्रू काफ़ी ज़्यादा कम आ रही थी और नाइट आई में भी कोई वारंटी नहीं थी, इसमें भी कोई वारंटी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि इसी को लगा दिया जाए। आप लोग इसका नाम पढ़ सकते हो कि कौन सी कंपनी की ये लाइट है। तो इसकी कॉस्टिंग उन लोगों ने बताई थी 820 रुपीज़, लेकिन 700 रुपीज़ में उन लोगों ने लगा दिया इसको। तो नाइट की फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा और आपको ताकि बेटर आइडिया मिल सके कि रात में कैसी थ्रो आ रही है LED की। और एक बात कि ये जो लाइट है इससे आपकी कोई भी वारंटी नहीं वॉइड होगी, क्योंकि इसमें कोई भी वायर की कटिंग नहीं की गई है। मतलब जो कपलर वाला होता है जिसमें सिर्फ आपको अटैच कर देना है, उसी टाइप के इसका जो बल्ब है उसको डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें कोई भी वायर की कटिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से आपका वारंटी वॉइड नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू।